बिल्कुल देखें भी बस पानी पानी है अंदर, यानी कि अभी तक खुश्क नहीं हुआ, ये ऊपर से सेम पकड़ा हुआ है इसने। और ये हमारा देखें पहले, सामने आ गई। आज जल्दी छुट्टी आ गई है, हैं? हैं? जल्दी छुट्टी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे और अल्लाह की फजल और करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ़ को जय दूर करे, इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मेरे मेमे को जो है आज बुखार है और मुझे ख़ुद को भी बुखार है। सर्दी की वजह से ना अचानक से जो है सर्दी बन गई है, तो इस वजह से जो है कुछ मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं है। तो वैस अभी अफ्तारी के लिए जो है मैं खाना बना रही थी, इतना से दाल जो है मैंने उबलने जो है करा दी है। अभी चलते हैं नए घर में क्योंकि कल से बहुत ही ज़्यादा बारिश आई हुई है, तो देखते हैं कि हमारे उस घर का जो है क्या हाल है। और मैंने शायद को कहा था कि आप ना मेरे लिए दवाई ले आए, जब रोज़ा अफ्तार होगा तो तब जो है मैं खा लूँगी। शायद भी क्या करे क्योंकि सुबह से काम इतने होते हैं घर के। माशाल्लाह से बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा आई है और हमारे जो पौधे थे वो जो है बिल्कुल अभी कुछ हरे भरे हुए हैं, अभी कुछ हरे भरे होने वाले थे, तो फिर अभी इसकी वो टूटने का ख़तरा था तो अभी नहीं टूटे, ऐसे समझ लें कि ये सलामत ही हैं। तो बस चल के देखते हैं हमारे घर का जो है सीहन, वो पानी से जो है कल या परसों तक जो है फुल था लेकिन आज थोड़ा जाके खुश्क हुआ है। और देखते हैं कि कहीं अपनी तंदूरी तो चेक करें आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? बच गई है, बच गई। तंदूरी में पानी चला गया है, थोड़ा चला गया है और इधर ये तंदूरी इधर से थोड़ा पानी गया है और बच गया। अल्लाह का शुक्र है तंदूरी तो बच गई है और ये सारी दराने पड़ गई हैं। देखो बाकी व्यूअर्स ये देखें, यहाँ से नहीं जाते ख्याल से।
व्यूअर्स, हमारे अंदर जो गराड़े गराई इसको क्या कहते हैं, हमारा जो व्यूअर्स गरेड़ा था ना, उसमें सब वो एक साइड से अंदर आ गया, पानी चला गया हमारे गरेड़े, गीला हो गया है। तो इस बार इसी वजह से मैं शायद रोकती थी कि आप ना काम करवाएं, लेकिन पहले इस जगह पे आपने थोड़ा सा मिट्टी डलवाएं ये, ताकि ये ऊपर हो जाए, इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ना खड़े। तो ये इसने मेरी नहीं मानी, आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि घर सेहन का जो है क्या हाल हुआ है। और आपको पता है हमने कितनी मेहनत से जो है इसकी लिपाई पोचा वगैरह जो है हमने लगाया था, लेकिन अब सारा का सारा जो है ख़त्म हो गया है, और सारा अंदर पानी है, बाहर पानी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको खुश्क होने देंगे, इसके बाद जो है फिर जो होगा वही करेंगे। हम सोच रहे थे कि हम इधर ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन शिफ्ट होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर इतना सा पानी आ जाता है, सब जो हमारा क्या कहते हैं कपड़े वगैरह है वो सब जो है ख़राब हो जाएंगे। मैं अभी चलता हूँ व्यूअर्स, आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से पानी आया, और एक साइड जो है हमारे घर की वो अंदर आ चुकी है। तो बारिश इतनी तेज़ थी, और यकीन माने कि ये जो होती है यानी कि लकड़ी की हर चीज़, तो लकड़ी जो है बिल्कुल गीली जब होती है ना तो वो टूटना शुरू हो जाती है, तो ये भी कुछ इस तरीके से गिरी है। ये देखें भी बस, अभी तक ये गीली, मैं यहाँ पे पाँव रखता हूँ, ये देखें। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर, बिल्कुल देखें भी बस पानी है अंदर, यानी कि अभी तक खुश्क नहीं हुआ, ये ऊपर से सेम पकड़ा हुआ है इसने। और ये हमारा देखें, पहले जो है कुछ इस तरीके से था, ये वाली साइड जो है ये वाली ये अंदर आ गई, और ये वाली जो है वो बाहर है। तो ऊपर से ये देखें भी बस, यहाँ से पानी आता रहा है इधर से, और इधर से ये देखें। तो ये इंशाल्लाह अभी तो बारिशें बता रहे हैं, जैसे ही बारिशों का कोई मसला हल होता है, अल्लाह ताला दे रहमत दे, हम ये नहीं कहते रहमत ना दे, लेकिन गरीब किसानों की गंदम जो है वैसे ही खड़ी हुई है। अल्लाह ताला जो है हमें ये हर मोमिन मुसलमान को जो है जिन्होंने गंदम लगाई हुई है वो उठाने दे, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए। रिवाज, आज आपको एक पत्ते की बात बता दूं, ये इन्होंने क्या ये थूम उठाया, ये हरा थूम है, लेकिन इससे जो सालन बनता है ना बहुत ही मजे का, चनियों की दाल तरह की जबान है, इन्हें को आदन सूखे धाने जब ये जले ए सुख वैसे ना बिल्कुल रिवाज ए उतू ही में लहे वैसे ने एई में थी वैसे देखनो दे वाले सूखे धाने तैयार थी वैसे। चलो चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है बनाई जाती है हमारे गांव में। ये आपने ज्यादा तो नहीं तोड़ लिया? नहीं, ये तीन फलियां, तीन, ये थोड़ा कच्चा है ना, अभी पूरा फूल पका नहीं है, तो इसमें हम सालन में इसको जितना ही डाले तो पता नहीं चलता। ये देखें भी बस, इतना सारा हमने लगाया हुआ है, तो हमारी असल दिल की मुराद ये है कि घर की सब्जी हो, बाहर से लेने से अच्छा है घर की हो। नहीं, वैसे हम हर साल जो है जो धनिया और सब्ज थोम जो होता है वो ये हम अपने घर का ही बनाते हैं, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी सारी क्यारियां थी, मैंने सब जो है तोड़ तोड़ के साला। अच्छा विवाद, पंजाबी लोग जो है ना, पंजाबी वो ज्यादातर जो है अपने घर की ही चीजें बनाते हैं, वो कम बहुत बाहर से लेते हैं। और नहीं, वो एक जो नमक होता है वो ही बाहर से ले आते हैं, बस जो भी उसकी जो चीजें होती हैं वो खुद उसके घर की सब्जी हो गई, गुड़ शक्कर हो गया, चावल हो गए, अचार हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, सब। क्यों का असल मसला पता है क्या है, हमने अगर चीज लगा दी है ना, अगर हमारा कमांड हमने बो दिया है तो यहाँ सब उखाड़ के ले जाएंगे, खा जाएंगे, हम रोक नहीं सकते नहीं। पंजाबी लोगों की चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, ऐसे होता है ना, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं दो कनाल है तो वो ही खत्म कर लेते हैं, बस बाकी एक कनाल रहती है। अच्छा, एक वो एक कनाल खर्चे आप, में आप चलें सालन बनाए, मैं अपने ढोगी को देखूं ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये किसी ने किसी जूते उठा के आया होगा, ये यही काम करता है।
रात जब इसे मैं खोलता हूँ ना, तो ये पता है क्या करता है, जो भी सो रहा उनके जूते इकट्ठे कर लेता है। अभी फिलहाल पता नहीं ये यहाँ क्या करा। चल है, चल अपनी जगह पे, चल जल्दी, चल 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 चल, शाबाश, चल 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 चल, 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 चल।